हर मॉर्निंग में मेरा यही काम होता है। हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों अभी मॉर्निंग हो चुकी है और कल ही दोस्तों मैंने हमारे सेटअप में ये वाले गोल्डन फिश ऐड किए हैं, जैसे कि हमारे पांडा गोल्ड फिश। बहुत ही क्यूट 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 गोल्डन फिश है दोस्तों ये। तो चलो दोस्तों अभी मैं इनको अभी ना फीड कर देता हूँ, मतलब इनको ही नहीं भाई हमारे सारे फिशेस को भी फीड करना है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। और दोस्तों ये जायंट गुरामी मैंने यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि ये वाला दूसरा वाला जो जायंट गुरामी है ना, इस जायंट गुरामी के ऊपर अटैक कर रहा था, तो इसी की वजह से मुझे इसको उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा भाई। फ्लोरम को भी दे दिया, आजा भाई। ये देखो भाई आए भाई साहब को दाना। तो अभी हमारे पैरट को भी दे दिया, मैं इनको दे रहा हूँ भाई ड्राइड ब्लड वॉर्म जो कि इनका मॉर्निंग का नाश्ता होता है। और हमारे एंजल को भी दे दिया, एंजल का बड़ा पसंदीदा नाश्ता है भाई ये। ये देखो एंजल बड़े मजे से खाती है। अभी हमारे गोल्डन फिश को देता हूँ भाई, शायद से ये डरती है, देखते भाई ये खाते या नहीं, ये तो डरने ही वाले। और हमारे पोलर पैरट्स को भी दे देता हूँ। ये देखो भाई हमारे पोलर पैरट्स के बच्चे भी देख सकते हो दोस्तों, अभी ये बहुत अच्छे से फ्री स्विमिंग करने लगे हैं। तो चलो भाई इनको भी इनका नाश्ता मैं दे देता हूँ। चलो इनको भी दे दिया, हमारे जायंट गुरामी का भी दे देता हूँ। और हमारे बॉब, ओके चल भाई तू आ जा। ये बहुत शातिर गुरामी है भाई ये वाली, ये देखो। और इनको भी दे देता हूँ भाई। तो ना दोस्तों मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे दोनों रैबिट्स के लिए मुझे आज बहुत सारे फ्रूट्स भी लाने हैं, ठीक है, जो कि हमारी ग्रे यहाँ पे बैठी है। तो चलो भाई अभी मैं मार्केट जाके आता हूँ और बहुत सारे फ्रूट्स भी लेके आता हूँ इनके लिए। दोस्तों मार्केट से मैं आ गया और हमारे रैबिट्स के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेके आ गया। तो चलो भाई हमारे रैबिट्स को देते हैं। चलो भाई मैंने इनको अच्छे से बारीक कर लिया है। और तो चलो इनका मैं यही टब में मिक्स कर देता हूँ। ओके आ जाओ भाई रैबिट्स, स्नो ग्रे आ जाओ भाई, इनका पानी भी चेंज करना होगा भाई। दोस्तों अभी ना रात हो चुकी है और अभी हमें हमारा जो मॉन्स्टर टैंक है वो रेडी करना है, जो कि ये वाला है भाई, ठीक है। दो दिन हो गए भाई, दो दिनों से ये ग्लास ऐसे ही पड़ा हुआ है और आज हमने पूरा प्लानिंग कर लिया कि भाई आज इसे रेडी करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, ये वाला जो टेबल ये बाहर निकालना है, क्योंकि हमें बनाना है भाई हमारे इस वाले टेबल पे। तो चल भाई विशाल भाई इसे उठाते और बाहर निकलते। तो दोस्तों इस बार हमें टैंक बनाने में हेल्प करने वाले हमारे प्यारे से दोस्त डॉक्टर भाई, मेरा दोस्त है भाई टोनी भाई। हेलो टोनी भाई कैसे हो भाई? ओके ओके ओके। तो चलो भाई निकालते हैं जल्दी जल्दी। आराम से मेरे पीछे भाई बड़ा कांच है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से रख दे, रखो। ओके और दोस्तों हमने क्या किया है ना यार, ये वाला जो ग्लास है ना पहले अच्छे से इसको ना घिस दिया है भाई, मतलब हमें लगे ना यार, ठीक है ना। तो कांच आपको पता है बहुत ज्यादा नुकीला होता है भाई। अभी ये हमारा जो टेबल है बाहर निकालते हैं, खींचो भाई लग गया। एक एक को उधर भेजो। आराम आराम भाई, कांच है इधर, कांच है कांच है कांच है। हां बस 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 थोड़ा थोड़ा आगे कर दे, थोड़ा आगे कर दे, आज परफेक्ट। यहाँ पे वो उड़न वाली शीट का है विशाल, हाँ ये देखिए उड़न वाली शीट पहले रख, उसके ऊपर चद्दर रखते फिर उसके ऊपर टैंक रखेंगे अपन। चलेगा ना फिर ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ चलेगा। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे रख दी भाई ग्रीन मैट, मतलब यहाँ पे जो बारीक बारीक जो कंकड़ वगैरह होगा ना भाई वो भी हमारे कांच को ना नुकसान पहुंचा है, ठीक है। और सबसे पहले हमने रख दिया भाई यहाँ पे बेस, ठीक है, ये हमारा टैंक का रहने वाला है बेस। अभी आपको वीडियो में छोटा लग रहा होगा भाई, ठीक है ना, असल में बहुत बड़ा टैंक होने वाला है भाई, ठीक है। एक मिनट थोड़ा। तो सबसे पहले दोस्तों हमने सिलिकॉन मारना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि ये देखो भाई हमारा जो कांच है ना, कांच की यहाँ पे ऊपर आने वाले, तो हमने ऊपर यहाँ पे पूरा सिलिकॉन मारना है, ठीक है। हमने वैसे कांच अंकल को बनाने को कहा है भाई, क्योंकि इस वाले शीट के ऊपर हमारे सारे कांच आने वाले, जैसे कि इसके ऊपर भाई, इसके नीचे नहीं है, नीचे होता तो हमने नीचे से मारना होता था। देखो भाई अभी सारा का सारा मार रहे भाई यहाँ पे। हमारा टैंक बड़े होने की वजह से हमें थोड़ा बड़ा बड़ा सिलिकॉन मारना पड़ रहा है भाई, ये देखो मतलब 2 फीट का टैंक होता ना दोस्तों, तो हम ये ना इतना बड़ा लेयर नहीं मारते भाई, ठीक है ना। ये 8 mm का ग्लास है और 6 फीट का टैंक है, तो इसी की वजह से हमें थोड़ी बड़ी वाली सिलिकॉन की जो लाइन है ना यूज करनी है, ठीक है। तो चलो भाई अभी सबसे मुश्किल घड़ी, मतलब यहाँ से अभी हमें ग्लास उठाना है और इस सिलिकॉन के ऊपर रखना है। रख दो,
दोस्तों हम है ना यार इसे अच्छे से खड़े रहने के लिए मतलब सपोर्ट देने के लिए ये क्लिपों का यूज कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे एक क्लिप हमने ऐड कर दी है और अभी यहाँ पे एक क्लिप हमने ऐड करनी है। बोल रहा है तू? अरे इधर उधर होना नहीं चाहिए ना, इसलिए टेप यूज कर। हाँ हाँ, ये जो टेप है दोस्तों ये भी यूज किया हमने और यहाँ पे भी टेप यूज किया है, क्योंकि भाई ये टैंक का इधर उधर नहीं होना चाहिए इसीलिए। तो फाइनल दोस्तों हमारा जो टैंक है भाई 6 फीट का वो अभी रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे भी हमने एक क्लिप ऐड कर दी, यहाँ पे भी एक क्लिप ऐड कर दी और यहाँ पे भी एक क्लिप और यहाँ पे भी एक क्लिप, टोटल हमने 4 क्लिप ऐड कर दिया इसे सपोर्ट देने के लिए। और दोस्तों इसके बाद मतलब कल नहीं तो परसों हम इसे ना पूरा सूख जाएगा ना, तब इसके बाद इसे और सपोर्ट मारने वाले भी परमानेंट वाले। 3 दिन बाद पानी भरने का उसमें। हाँ ना, फिर 3 दिन तो सूखने देंगे ना, बट परसों तो हमें यहाँ पे सपोर्ट देने ना ऊपर से, तो यहाँ पे ना दोस्तों इसे सपोर्ट आने वाले, मतलब क्योंकि ना इसमें जो पानी का जो प्रेशर होगा ना भाई वो सह सके भाई, ये ग्लास ठीक है ना, तो इसी की वजह से इसको लगने वाले भाई सपोर्ट, जो कि हमने ये पट्टियाँ भी लेके आए भाई, 6-7 पट्टियाँ इसी लगाई है हमने, ये देखो भाई ये पट्टियाँ इसे लगेंगी ऊपर से और ये पूरी 12 mm की पट्टी भाई, मतलब सारा कुछ लोड इस पे ही आने वाला है। चलो यार दोस्तों आज तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं भाई, अभी मिलता हूँ आपको मैं कल मॉर्निंग में। तो कल के वीडियो में आपको मैंने बोला था कि भाई इन वाले टबों में हमारे सरप्राइजिंग फिश आने वाले, तो वही फिश लेने के लिए दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ मेरे दोस्त के यहाँ पे, ठीक है? तो चलो यार दोस्तों वो जल्दी जल्दी लेके आते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ भाई सरप्राइज क्या है हमारा। तो अभी हम आ चुके हैं विशाल भाई के घर पे, और दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले विशाल भाई के पास कौन सी फिश दिया था? गोरा में दिया था ना। ओके, आपको पता होगा दोस्तों मैंने विशाल भाई के पास कौन से थी यार, वो गोरा में नाम भूल गया यार मैं, यार उसका कुछ तो नाम था यार, क्या नाम था? रेड कलर की गुरामिस दी थी और एक सिल्वर कलर की गुरामी दी थी, ठीक है? वही हमारी सरप्राइजिंग गुरामी होने वाली है। और घर पे 2 पेयर पड़े हुए भाई हमारे, मतलब करीबन हमारे पास 4 वैरायटी के अलग अलग गुरामिस है, ठीक है दोस्तों? तो चलो भाई पहले निकाल के दिखाता हूँ भाई आपको मैं। और ये शानदार सा विशाल भाई का यहाँ पे सेटअप है वाटर पॉपी का, और उसमें ये देखो भाई मनी प्लांट भी ऐड किया है, और उसमें इसमें तूने पहले अपन ने 2 फिश टैंक में ऐड किए थे ना, नहीं इधर डाल दिए थे मैंने। हाँ हाँ हाँ, ग्रीन वाटर भी था इसलिए इधर ऐड कर दिए थे। अच्छा, थोड़ी दूर हूँ, ये बाहर ही निकल लेते भाई, इसमें ही फंसे हुए भाई ये। तो दोस्तों ये देख सकते हो भाई, ये वाली गुरामिस हमने विशाल भाई के पास दिया था, और इनका कलर भी देख सकते हो भाई प्रॉपर भाई, वाव। ओए मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, ये देखे। और दोस्तों ओए आराम से यार, ये देखो दोस्तों ये है हमारी दूसरी वैरायटी, जो कि आप इसका कलर भी देख सकते हो यार कितना खूबसूरत लग रहा है, वाव। ये देखो भाई वाव यार, इनकी ब्यूटी और इनका कलर देखो यार, इसलिए गुरामी फिश मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यार, ठीक है ना दोस्तों? ये हमारी हो गई दोस्तों 2 वैरायटी। तो हमने भाई के पास से 2 वैरायटीज ले ली गुरामिस की, और 2 जो वैरायटी ना वो मेरे घर पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है वो भी दिखाता हूँ भाई हम। और दोस्तों विशाल भाई के पास हमने कुछ दिनों पहले प्लांट्स भी दिए थे, जैसे गुरामी हमने दिए थे ना वैसे प्लांट भी दिए थे, जो कि ये देख सकते हो भाई यहाँ पे ये अच्छे से ग्रो हुआ है। और कहाँ है भाई ये देख, यहाँ पे भी दोस्तों ये देखो भाई अच्छे से ग्रो हुए ये वाले प्लांट्स। किधर? कौन सा? और ये वाले स्पाइडर प्लांट, ये भी, और ये एक स्नेक प्लांट, वाव। दोस्तों अभी आपको मिलता हूँ मैं सीधा घर पे। तो फाइनली दोस्तों मैं गुरामी फिश लेके आ गया हमारे सेटअप पे, ठीक है? अभी आपको बताता हूँ भाई हमारे पास कौन कौन सी वैरायटी रहने वाली है इन टबों में, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये रहने वाली है टाइगर गुरामी, जैसे कि ओए आराम से यार, ये देखो यार बहुत ज़्यादा एक्टिव है यार ये वाली गुरामी दोस्तों, ये ऑरेंज कलर की है, ये देखो भाई ये ऑरेंज कलर की है, और इसमें ही दोस्तों एक सिल्वर कलर की है, जैसे कि एक मिनट आपको मैं पकड़ के दिखाता हूँ भाई, ये हमारे सेटअप में रहने वाली, ओए आराम से भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव है यार ये दोस्तों, ये देखो दोस्तों ये हमारी सेकंड वाली हो गई सिल्वर, और जो थर्ड वाली है दोस्तों ये है भाई हमारी ये वाली क्यूट भाई, इसका कलर मुझे सबसे अच्छा लगा भाई, पूरा चमकीला कलर है। और थर्ड वाली मतलब ये हमारी लिली गुरामी, हमने बाद में सर्च किया भाई, तो ये है दोस्तों लिली गुरामी फिश, ठीक है? ये सिर्फ 4 वैरायटी की रहने वाली है, बट यार हमारे पास तो 5 टब है, तो 5 टब में जो एक टब बचता है ना, तो हम जब बाद में जाएंगे ना भाई एक्वेरियम शॉप, तब हम जरूर लेके आएंगे, मतलब और कोई वैरायटी की गुरामी आती होंगी ना तो वो हम वहाँ पे ऐड करने वाले हैं 5 वाले टब में, ठीक है? तो चलो भाई अभी ये ना इसके जो पेयरिंग है ना, तो सबसे पहले हमारे जो ब्लू गुरामी है, तो यहाँ पे रहने वाली जो लिली गुरामी, यहाँ पे रहने वाली जो टाइगर ऑरेंज कलर की गुरामी है वो यहाँ पे रहने वाली, और पता नहीं वो कौन सी सिल्वर वाली है वो यहाँ पे रहने वाली, और जो न्यू आएगी तो वो यहाँ पे रहने वाली है।
तो दोस्तों सबसे पहले आ गया हमारा सिल्वर, मतलब ये पता नहीं यार कौन सी वैरायटी, आप मुझे कमेंट्स में बता देना भाई। ये गया भाई कंफर्म मेल फीमेल का पेयर इस वाले टब में। हमारी सेकंड आ गई दोस्तों जो कि है ऑरेंज कलर की गुरामी, टाइगर गुरामी बोलते भाई हमारे यहाँ पे इसको। तो इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया जो कि यहाँ पे ये वाला प्लांट रहेगा। तो दोस्तों ये है हमारी थर्ड वाली मेल फीमेल कंफर्म भाई इनका, तो ये यहाँ पे रहने वाली है तो इनको भी मैंने छोड़ दिया। प्लांट्स तो हमने बाहर निकाल लिए, प्लांट्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और ये लिली गुरामी तो हमारे पास बहुत सारी थी तो मैंने सोचा कि भाई ये सारे के सारे इस वाले टब में छोड़ दिए जाए, तो छोड़ दो भाई इनको यहाँ पे। और दोस्तों आपको ही अभी मुझे सजेस्ट करना है कि भाई और कौन सी गुरामी की वैरायटी रहती है जैसे कि हम यहाँ पे ऐड कर सके, ठीक है दोस्तों। और मैं देखना भी चाहता हूँ भाई गुरामी फिश यहाँ पे ब्रीड करती है या नहीं, ठीक है ना। बाकी हमने कौन सी फिश नहीं रखी यहाँ पे, थोड़ी बहुत मॉलीज वगैरह होंगे वो भी हम निकाल लेंगे यहाँ से। सिर्फ यहाँ पे हम गुरामी का एक एक पेयर रखने वाले, ब्रीडिंग पेयर, ठीक है। पता नहीं भाई ये ब्रीड करते हैं या नहीं, मुझे देखना है ठीक है, एक्सपेरिमेंट रहेगा भी हमारे। और दोस्तों आज हमें मॉर्निंग में एक गुड न्यूज़ मिली, हमारे डम्बो ईयर का जो टब हमने सेटअप किया था, पॉन्ड सेटअप किया था, सॉरी एक मिनट यार ऐसे लग जा भाई, ओ यार यार फिर से आ गए, चल कोई नहीं सेट हो गया। तो आज मॉर्निंग में हमें ऐसी गुड न्यूज़ मिली कि एक मिनट आपको दिखाता हूँ भाई, भाई साहब। तो ये कल मैंने और ध्रुव ने तो ये ऐड कर दिया था, तो गुड न्यूज़ देखो भाई, भाई हमारी डम्बो ईयर गप्पी फिश ने यहाँ पे ब्रीड कर दी है और इनके बच्चे भी देख सकते हो भाई, ये डम्बो प्लैटिनम डम्बो ईयर के बच्चे भाई है, ठीक है ना दोस्तों। और ये बहुत सारे भाई इधर भी है और पता नहीं भाई इसमें इसके अंदर कितने होंगे। जैसे यहाँ पे हाइडिंग स्पेस ऐड किया दोस्तों, वैसे हमने हमारे डम्बो ईयर ने यहाँ पे बच्चे दे दिए। और ये पहले वाले बच्चे, ठीक है ना, मैंने तो पूरी फैमिली उठाई थी सामने वाले भाई के पास से। ये देखो भाई ये पहले वाले बच्चे, उनके डम्बो ईयर का पेयर कहाँ है भाई, ये देखो यहाँ पे एक मेल दिख रहा है मुझे और एक फीमेल दिख रही है, पता नहीं और एक पेयर कहाँ होगा, उनके बच्चे भी दिख रहे हैं भाई इनके पीछे। तो चलो यार दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।